असम के हजारी गीता आश्रम में असम के सभी महाविद्यालय के एबीवीपी छात्र नेताओं को सम्मानित किया गया। एबीवीपी द्वारा आयोजित दो दिन का सम्मेलन में भारत के सभी विश्वविद्यालयों के एबीवीपी प्रमुख श्री हरि बोरीकर, राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र सापाम और स्टेट के जॉइंट सेक्रेटरी प्रणब ज्योति बहुयान और एबीवीपी के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। एबीवीपी असम राज्य के स्टेट सेक्रेटरी नयन ज्योति शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, इस कार्यक्रम में राज्य के एबीवीपी के 300 से अधिक छात्र नेता आए हुए थे, जिनमें उनको संस्कार का अपने राष्ट्र के उन्नति का पाठ पढ़ाया गया। और आपको कैसा लगा? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लगातार ऊर्जावान जो भी यहाँ पे युवा थे उन्हें सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र के चरमोत्कर्ष के लिए जो कुछ जरूरी चीजें थी वो बताई गई, तो इसके लिए ये प्रोग्राम था। इसमें 300 से ज्यादा स्टूडेंट लीडर्स आए थे अलग अलग जगहों से, उन्हें संस्कार का, अपने राष्ट्र की उन्नति का और अपनी संस्कृति का पाठ पढ़ाया गया है, जिससे वो पूर्णतः पहले से भी परिचित थे। तो हम चाहते हैं कि राष्ट्र के चरमोत्कर्ष के लिए, उसके उत्थान के लिए युवा जरूर आगे आए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लगातार इसके लिए संघर्ष करता रहता है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी सभ्यता को बताने के लिए हम तैयार, तत्पर और कटिबद्ध हैं। वही करने के लिए यहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने ये काम किया था। क्या था और उसमें क्या क्या सिखाया गया? काल और आज यहाँ पे पूरे आसाम प्रदेश में जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी परिषद की ओर से जितना कॉलेज इलेक्शन में जीते हुए पदाधिकारी था उनका एक कार्यशाला था, और आज इस कार्यशाला के बाद ये इलेक्टेड जो मेंबर था उन लोगों के लिए एक संवर्धना कार्यक्रम था। तो ये कार्यशाला मतलब इसलिए रखा गया था कि जो कार्यकर्ता विद्यार्थी परिषद से आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हुए महाविद्यालय छात्रकर्ता सभा में जीत के आए हैं, उनको विद्यार्थी परिषद के विषय में थोड़ा जानकारी देना, विद्यार्थी परिषद के विषय उनको थोड़ा ज्ञान बढ़ाना, इस हिसाब से हमने ये कार्यशाला रखा था। और जिसमें लगभग पूरी प्रदेश से 300 से ऊपर कार्यकर्ता इसमें पार्टिसिपेट किया है, और ये सिर्फ जीते हुए कार्यकर्ता ही नहीं था, हमने इस बार पूरे प्रदेश में कॉलेज इलेक्शन में जो पार्टिसिपेट किया था, जीता या हारे दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट को हमने यहाँ पे बुलाया था। उन लोगों के लिए ये दो दिन का कार्यशाला था जिसमें विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रोहित मिश्रा जी, विद्यार्थी परिषद दूसरा राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र सापाम जी, साथ ही विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय राज्य विश्वविद्यालय प्रमुख श्री हरि बोरीकर जी यहाँ पे मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम के बाद आज समापन कार्यक्रम में संवर्धना अनुष्ठान में यहाँ के हुजाई जिला का जिला उपायुक्त महोदय हमारे साथ मौजूद थे।